खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा के हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें अंकित शर्मा की मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा के फेफड़ों और मस्तिष्क में चोटों के कारण हुए रक्तस्राव की वजह से उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि हिंसक भीड़ ने अंकित शर्मा पर धारदार हथियारों से हमला किया था। अधिकारी के शरीर पर चोटों के कई घाव मिले हैं। वहीं क्राइम ब्रांच को अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपित हसीन उर्फ सलमान उर्फ मुल्ला उर्फ नन्हे ने आईबी सिपाही के अंकित शर्मा पर चाकू से 3 बार किए थे। इससे पहले ताहिर के यहां मौजूद भीड़ अंकित की बुरी तरह से पिटाई कर चुकी थी। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि ताहिर ने अंकित पर हमला किया या नहीं किया। सलमान के बारे में जानकारी स्पेशल सेल को मूसा नाम के बदमाश का मोबाइल फोन इंटरसेप्ट करने के दौरान मिली थी। दरअसल दंगे के दौरान चांदबाग निवासी बदमाश मूसा का मोबाइल फोन स्पेशल सेल ने सर्विलांस पर लगा रखा था। उसकी बातचीत सुनी जा रही थी जिसमें सलमान का नाम सामने आया था। इस पर सलमान का फोन भी सर्विलांस पर लगा दिया गया। इसमें वो फोन पर किसी से बात कर रहा था कि उसने एक को गोद लिया है। इस बातचीत के आधार पर ही स्पेशल सेल ने शिकंजा कसा और बृहस्पतिवार को चांदबाग इलाके से सलमान को दबोच लिया। वो मूल रूप से अलीगढ़ का रहने वाला है। यमुना पार में वो नंद नगरी स्थित सुंदर नगरी में रह रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि दंगे के दौरान अफवाह फैली कि मुस्लिम परिवार के 4 साल के बच्चे की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। इससे चांदबाग में समुदाय विशेष के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो उपद्रव करने लगे। इस बीच करावल नगर रोड पर चांदबाग पुलिया के पास पत्थरबाजी हो रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सैकड़ों लोग ताहिर हुसैन के घर के बाहर जमा होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। वहीं कुछ युवक एक शख्स को पीटने के साथ ही घसीट रहे थे। वो अंकित थे जिनके कपड़े फट चुके थे। इसके बाद आवेश में आकर उसने भी चाकू से अंकित पर 3 वार किए थे। बता दें कि आईवी जवान अंकित शर्मा के परिवार से शुक्रवार को आप नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। इसमें आपके वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक, निगम पार्षद मनोज त्यागी व अन्य नेता रहे। नेताओं ने परिवार को सांत्वना दी। दुर्गेश पाठक ने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार परिवार की हर संभव मदद करेगी। प्रतीक शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।